नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फाइलम सिलेंट्रेटा पढ़ा था और फाइलम सिलेंट्रेटा में एक और छोटा सा टॉपिक है कोरल्स। आज हम लोग कोरल्स के बारे में पढ़ेंगे और ये जो टॉपिक है कोरल्स और कोरल रीफ्स, जिन्हें हम हिंदी में मूंगा और मूंगा चट्टाने कहते हैं, ये जियोलॉजी के लिहाज से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही हैं, इकोनॉमिक और इकोलॉजिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही इनका संबंध जो है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन और इकोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है। तो हमें कोरल्स के बारे में जानना चाहिए, हमें कोरल रीफ के बारे में जानना है, तो इन्हीं को आज हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। फाइलम सिलेंट्रेटा में हमने मोटे तौर पे आपको बता दिया था कि कोरल्स क्या होते हैं, कोरल रीफ्स कैसे बनते हैं, इनके बारे में हमने छोटा संक्षेप में जो है चर्चा आप लोगों से की थी। चूंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़े से काम नहीं बनेगा, हमें थोड़ा डीप में जानने की ज़रूरत है, तो आज हम लोग थोड़ा सा डीप में जाएंगे। सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोरल्स क्या होते हैं, मूंगा जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोरल्स क्या होते हैं। कोरल्स जो होते हैं ये सी एनीमोन जैसे दिखने वाले एनिमल्स हैं जो फाइलम सिलेंट्रेटा से जुड़े हुए हैं, यानी फाइलम सिलेंट्रेटा में पाए जाने वाले कुछ जीव हैं कोरल्स। सो इनका डेफिनेशन ये है कि कोरल्स आर मरीन एनिमल्स लिविंग इन कॉलोनीज ऑफ मेनी आइडेंटिकल इंडिविजुअल कंपोनेंट्स मेडअप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कॉम्पैक्ट पार्ट्स कॉल्ड पॉलिप्स। हमने कहा कि कोरल्स जो होते हैं वो फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर होते हैं और जो फाइलम सिलेंट्रेटा है ही उसमें से 99% स्पीसीज समुद्र में पाए जाते हैं, मरीन होते हैं, यानी जो खारा जल होता है उसमें पाए जाते हैं। तो ये जो कोरल्स होते हैं इनकी खास विशेषता ये होती है कि ये कॉलोनी में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, समूह बना के रहते हैं। जहाँ यहाँ आप देख सकते हैं ये ढेर सारे कोरल्स आपस में समूह बनाएंगे और एक दूसरे के संपर्क में एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। तो कोरल्स हो गया कि कोरल्स जो होते हैं वो मरीन एनिमल्स होते हैं जो फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करते हैं और इनकी एक खास बात यह है कि ये कॉलोनी में या ग्रुप में पाए जाते हैं। अब बात होती है जूजैंथली की, यह स्पेलिंग होगा जूजैंथली। तो जूजैंथली की बात कर लेते हैं, ये जूजैंथली जो है ये एक एल्गी है जो कोरल्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाया जाता है। इसे जानना जरूरी है तभी आप कोरल्स को सही से समझ पाओगे और आगे ये समझ पाओगे कि क्यों आज के समय में कोरल्स लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं। कोरल्स जो होते हैं जो कि सिलेंट्रेटा फाइलम से बिलोंग करता है, कोरल्स अकेले नहीं रहता है, कोरल्स अपने साथ कुछ एल्गी के साथ जीवन व्यतीत करता है और जो एल्गी कोरल के साथ सहजीवन में या सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है उस एल्गी का नाम है जूजैंथली। अब इनका दोनों का जो संबंध है, कोरल कोरल एक एनिमल है और जूजैंथली जो कि एक एल्गी है, एल्गी प्लांट में आते हैं और सिलेंट्रेट किस में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं। तो यहाँ पे ऐसा एक अजीबोगरीब संबंध बन रहा है कि एक एनिमल एक प्लांट के साथ रह रहा है, ऐसा वैसा नहीं, परमानेंट एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के शरीर के अंदर तक प्रवेश करके रह रहे हैं। तो ऐसी कौन सी मुसीबत आ रही है कि कोरल्स और एल्गी यानी जो जूजैंथली है क्यों एक साथ रहते हैं और अगर ये एक साथ ना रहें तो इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलो जानते हैं कि जो जूजैंथली होता है लिप्स इन कोरल एज द कोरल एक्ट एज इट्स शील्ड आर प्रोटेक्टिव होम। जो जूजैंथली है वो कोरल्स के अंदर रहता है और कोरल जो होता है उनको एक सुरक्षा या फिर प्रोटेक्टिव होम प्रोवाइड करता है, क्योंकि जूजैंथली एक छोटी सी एल्गी होती है, बहुत छोटे छोटे साइज की होंगी, अगर इधर उधर रहेंगी तो उन्हें मछलियाँ खा जाएंगी, समुद्र में मछलियाँ खा जाएंगी तो उनको जो है नुकसान होगा। इसलिए मछलियों से या समुद्री जीवों से बचने के लिए जूजैंथली ने क्या किया कि ये कोरल के शरीर में प्रवेश कर गए, कोरल के शरीर के साथ जुड़ गए। इससे क्या होता है कि ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यानी जूजैंथली जो एल्गी है और जो कोरल है
इनके बीच का जो संबंध है वो सहजीवन का संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशन है। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों पार्टनर को प्रॉफिट होता है, जो भी इस संबंध में होते हैं उनमें दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट होगा, ठीक है। सो इट हेल्प्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हमने कहा कि जूजेंथली जो है एक एल्गी है, एल्गी एक प्लांट है। सो जितने भी प्लांट होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है, और इस पिगमेंट की मदद से ही प्लांट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्लांट सनलाइट की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। सो भोजन बनता है और साथ ही फोटोसिंथेसिस के अंत में ऑक्सीजन रिलीज होता है। यही ऑक्सीजन जो है इन्वायरमेंट में आता है और जिसे हम सांस के माध्यम से यूज करते हैं। सो देखो, अब हमने कहा कि जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इसमें दोनों को लाभ होता है, यानी कोरल को भी कुछ लाभ होगा और एल्गी जो जूजेंथली है उसको भी लाभ होगा। तो जूजेंथली को क्या लाभ हुआ कि उसे एक घर मिल गया, एक सुरक्षित घर मिल गया समुद्र में रहने के लिए। और कोरल को ये लाभ हो रहा है कि उसे मिल रहा है न्यूट्रिएंट यानी पोषण मिल रहे हैं, साथ ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी मिल रहा है, क्योंकि ज़मीन में जो समुद्र होता है उसकी सतह के आसपास ये पाए जाते हैं। सो ऑक्सीजन की वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन थोड़ी कम मात्रा में होती है। सो ये ऑक्सीजन जो होता है वो प्रोवाइड किया जाएगा एल्गी द्वारा, एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा, उस फोटोसिंथेसिस में वो अपने लिए तो भोजन बनाएगा ही बनाएगा, कुछ एक्स्ट्रा भोजन बनाएगा और उस भोजन को वो कोरल को दे देगा। साथ ही जो ऑक्सीजन निकलेगा उसका भी उपयोग कोरल सांस लेने के लिए करेगा। तो दोनों को लाभ हो रहा है, जहां एल्गी को एक आवास, सुरक्षित आवास मिल जा रहा है, वहीं कोरल्स को जो है खाना मिल रहा है, साथ ही ऑक्सीजन मिल रहा है। सो प्रोवाइड 90% ऑफ द एनर्जी टू कोरल टू ग्रो, यानी जो जूजेंथली होता है वो लगभग 90% जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है कोरल को ताकि वह ग्रो कर सकें। खाली 10% जो एनर्जी की ज़रूरत है कोरल को वो बाहर से उसे लेना होता है, बाकी 90% जो होता है एल्गी उन्हें दे देता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया जो है विन विन रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को प्रॉफिट हो रहा है। तो कोरल्स हमेशा जो है एल्गी के साथ रहते हैं। बात क्लियर, अभी तक हमने सिर्फ कोरल्स की बात की है और कोरल्स जो होते हैं सिलेंट्रेट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कोरल रीफ की बात करेंगे। कोरल रीफ अलग चीज़ है, कोरल्स अलग चीज़ है। कोरल रीफ्स क्या होते हैं? कोरल रीफ्स आर वेब रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स नोटेबल फॉर दियर ग्रेट स्पीसीज रिचनेस, इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिमार्केबल ब्यूटी। कोरल रीफ कुछ नहीं होते हैं, कोरल रीफ जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के ढेर होते हैं। क्या होते हैं? रीफ मतलब होता है ढेर, यानी कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइम या चूना पत्थर जो होता है उसके बड़े बड़े ढेर होते हैं। और ये जो चूना पत्थर निकलता है ये कोरल के शरीर से निकलता है। कोरल के शरीर में क्या होते हैं? बहुत सारे जो है स्केलेटन पाए जाते हैं, जैसे हम लोगों में हड्डियां पाई जाती हैं वैसे ही उनके शरीर में कुछ स्केलेटन पाए जाते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। जब कोरल की मृत्यु होती है तो वही कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है सतह पे, समुद्र की सतह पे इकट्ठा होता रहता है। धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत सालों बाद जो होता है कोरल की मृत्यु की वजह से, मृत्यु होगा उस पर नए कोरल्स आएंगे, फिर उसके ऊपर नए कोरल आएंगे और फिर कैल्शियम का एक पूरा ढेर बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। उसी कैल्शियम कार्बोनेट के या लाइमस्टोन के ढेर को ही कोरल रीफ कहा जाता है। कोरल रीफ इकोनॉमिक दृष्टिकोण से और इकोलॉजिक दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे हम लोग आगे अभी समझेंगे। They are unique in being formed entirely by biological activity. अब जो कोरल रीफ होता है, हमने कहा कि ये जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का ढेर होता है। अब ये चूना जो होता है ये सिर्फ बायोलॉजिकल एक्टिविटी से बनता है। कोरल उसे स्रावित करता है, चूने को स्रावित करेगा और उसी के ढेर होने से लगातार ढेर बढ़ता जाएगा और कुछ समय बाद, हजारों साल बाद
वो कोरल रीफ या एक बड़े चट्टान का रूप धारण कर लेता है। ये रही कोरल रीफ की। अब हम बात करते हैं कि जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है कोरल रीफ का, मूंगा चट्टाने मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मूंगा चट्टाने आपको मिलेंगी ट्रॉपिक वाले क्षेत्र में, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जो भूमध्य रेखा के पास वाला क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में कोरल रीफ पाए जाते हैं मेनली। यहाँ से यहाँ तक ये वाला क्षेत्र ही पूरा कौन सा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। बीच में जो रेखा जा रही है इसको कहते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसके 30 इस तरफ और 30 नॉर्थ और साउथ की तरफ, इसके बीच में आपको कोरल का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। बाकी चाहे आप उत्तर की तरफ जाइए या दक्षिण की तरफ जाइए, ठंडक बढ़ने लगती है और ठंड वाले इलाकों में कोरल्स विकसित नहीं होते हैं। उन्हें गर्म टेम्परेचर चाहिए, एक थोड़ा सा गर्मी चाहिए विकसित होने के लिए। अब यहाँ पे हम इंडिया वाले की बात कर लेते हैं, इंडियन ओशियन की बात कर लेते हैं। तो भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो जहाँ समुद्री इलाके हैं जहाँ पे कोरल्स पाए जाते हैं, जैसे कच्छ वाले रीजन में, जो कच्छ की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, वहाँ पे मिलेगा आपको, मिलेगा लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप में, यहाँ यहाँ पे जो है कोरल्स, कोरल रीफ पाए जाते हैं। ये तो एक मोटे तौर पे हो गया कि कोरल कहाँ पे पूरे संसार में पाए जाते हैं। क्योंकि समुद्री हैं तो समुद्र में ही पाए जाएंगे, समुद्र के किनारे पाए जाएंगे, और तो कहीं पाए नहीं जाएंगे। दूसरी जो चीज़ है कि ये गर्म वाले इलाके में पाए जाते हैं, ठंडे इलाकों में नहीं पाए जाते हैं। इक्वेटर से लेके 30 डिग्री जो है नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में ही इनका पूरा संकेंद्रण होता है। सो हम कुछ यहाँ पे जो है सम लार्जेस्ट कोरल रीफ्स हैं जो संसार में, कुछ बड़े कोरल रीफ्स हैं या मूंगा चट्टाने, उनके नाम है कुछ, इसमें से आप लोग याद कर लो, कम से कम दो तीन तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। पहला है कि ग्रेट बैरियर रीफ नियर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो विश्व का सबसे बड़ा जो है कोरल रीफ है। उसके बाद नाम आता है रेड सी कोरल रीफ नियर इजिप्ट। इजिप्ट के पास जो है रेड सी है, वहाँ का कोरल रीफ है। फिर इसी प्रकार न्यू कैलेडोनिया बैरियर रीफ नियर कैलेडोनिया। ये कुछ जो है बड़े, जो संसार के बड़े मूंगा चट्टाने हैं उनके नाम है। इसी प्रकार जो होता है मीजो अमेरिका बैरियर रीफ नियर मैस्को में है, फ्लोरिडा रीफ, एंड्रॉस कोरल रीफ, ये एंड्रॉस में है, और जोंसा झोंसा आइलैंड्स इन साउथ चाइना सी में। ये कुछ जो है विश्व के बड़े कोरल रीफ के नाम हैं। तो चलिए हम इनके प्रकार की बात करते हैं। कोरल्स जो होते हैं वो मेनली तीन प्रकार के होते हैं। कोरल्स जो होते हैं, जो कोरल रीफ होते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं। कोरल तो एनिमल है भाई, कोरल रीफ जो है, जो चट्टान है, वो तीन प्रकार की होती है। एक हो सकता है फ्रिंजिंग कोरल रीफ, दूसरा है बैरियर कोरल रीफ, एंड तीसरा है एटॉल्स। फ्रिंजिंग का मतलब होता है, यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, फ्रिंजिंग का मतलब होता है कि ये सतह के किनारे पाए जाते हैं। जहाँ पे समुद्र खत्म हो रहा है वहाँ पे जो है फ्रिंजिंग कोरल रीफ का विकास होता है। जो बैरियर कोरल रीफ होते हैं वो सतह से, मतलब जो किनारा होता है समुद्र का, समुद्र के किनारे से थोड़ा हटकर विकसित होते हैं, जिसकी वजह से बीच में जो है पानी इकट्ठा हो जाता है और एक बैरियर की तरह काम करते हैं। और तीसरा है एटॉल्स। एटॉल्स में क्या होता है कि ये कुछ सर्कुलर में होते हैं, बीच में जो होता है लगून झील बन जाती है और किनारे किनारे पे जो है कोरल रीफ का विकास होता है। तो ये तीन तरीके के कोरल रीफ होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल्स। थोड़ा और इनके बारे में जानते हैं। द काइंड्स ऑफ रीफ की बात करें तो फ्रिंजिंग जो होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ, रीफ दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू शोर आर बॉर्डर्स इट विथ एन इंटरवेनिंग सैलो चैनल आर लैगून। सो फ्रिंजिंग, हमने यही कहा था कि ये समुद्र के किनारे किनारे पाए जाते हैं, और जो होती है इसमें जो होता है, या तो लगून जो होता है बहुत कम होता है या तो नहीं होता है। बैरियर रीफ में क्या है कि बैरियर रीफ जो होता है, रीफ सेपरेटेड फ्रॉम ये मेनलैंड आर आइलैंड शोर बाय ये डीप लगून। तो जो बैरियर होते हैं वो जाहिर सी बात है कि ये किनारे से थोड़ा सा हट जाते हैं, थोड़ा सा बीच में जल की तरफ होते हैं और ये बैरियर की तरह काम करते हैं। जो मेन लैंड होगा और जो समुद्र होगा उसके बीच में बैरियर की तरह
बन जाते हैं बैरियर रीफ। और एटास क्या होते हैं कि ये मोर आर लेस जो होते हैं सर्कुलर या कंटिन्यूस बैरियर रीफ होते हैं एक्सटेंडेड ऑल वे अराउंड ए लैगून विदाउट ए सेंट्रल आइलैंड। सो एटास कुछ नहीं होते हैं, बीच में एक लगून होता है यानी झील होता है और उसके किनारे किनारे पे बैरियर रीफ या रीफ बन जाता है। सो हमने जो है फ्रिंजिंग रीफ पढ़ लिया जो कि मोस्ट कॉमन जो है टाइप है रीफ का। फिर हमने बैरियर रीफ पढ़ लिया, ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ जान लेते हैं, द ग्रेट बैरियर रीफ इट इज़ लोकेटेड ऑफ द नियर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आप कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इट मेजर्स अप टू 150 किलोमीटर लॉन्ग। जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में पाया जाता है और ये विश्व के सबसे बड़े कोरल रीफ में से एक है। अब हम बात करते हैं एटॉल्स की। एटॉल्स की हमने पढ़ ही लिया, इन सब के बारे में जो है इससे ज़्यादा कुछ आप लोगों को जानना नहीं है। आप सिर्फ इतना ही जानेंगे कि तीन तरह के जो है रीफ होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल्स होते हैं। फ्रिंजिंग रीफ जो होते हैं समुद्र के किनारे विकसित होते हैं, बैरियर रीफ जो होते हैं थोड़ा सा हटकर जो है समुद्र की तरफ जो होता है किनारे से हटकर होते हैं और जल और जो मेन लैंड होता है उसके बीच में बैरियर का काम करते हैं। एटॉल्स क्या होते हैं कि ये सर्कुलर होते हैं, बीच में जो होता है झील होती है और उसके चारों तरफ रीफ का डेवलपमेंट होता है। दैट्स इट, और कुछ आप लोगों को जानना नहीं। अब हम बात करते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ्स, इस समय जो है कोरल रीफ लगातार जो है नष्ट हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो भी अब लगभग मरणासन हो चुका है, ख़त्म होने वाला है। और भी संसार के जितने भी कोरल रीफ हैं वो लगातार जो है ख़त्म हो रहे हैं। तो इस ख़त्म होने के पीछे कोरल रीफ के नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है, कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से कोरल रीफ लगातार नष्ट हो रहे हैं। पहला है ओवर डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल एरिया। अब जो कोस्टल वाला क्षेत्र होता है किसी भी देश का जो या आइलैंड हो उसके जो कोस्टल एरिया पे हो रहा है वहाँ पे अब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, इतनी ज़्यादा बिल्डिंगें बना दी जा रही हैं, इतने सारे पोर्ट बना दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोरल नष्ट हो रहे हैं। देन डिक्लाइन ऑफ वाटर क्वालिटी, क्योंकि समुद्र के जल का जो वाटर क्वालिटी है जो गुणवत्ता है वो लगातार ख़राब होती जा रही है। वाटर पॉल्यूशन की वजह से जो होता है समुद्री जल लगातार प्रदूषित हो रहा है, इस प्रदूषण की वजह से कोरल रीफ का भी नुकसान हो रहा है, उनको भी ना काफ़ी जो है नुकसान हो रहा है। देन डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस, बहुत सारे फिशिंग तरीके ऐसे हैं, मछली मारने के ऐसे तरीके हैं जिससे भी कोरल को नुकसान होता है, जैसे साइनाइड फिशिंग हो गया, ओवर फिशिंग, ब्लास्ट फिशिंग। इनसे क्या होता है कि मछलियों के साथ तो मछलियां तो मार ली जाती हैं लेकिन उससे जो है कोरल्स भी मर जाते हैं जिससे उनको जो है काफ़ी नुकसान होता है। जैसे साइनाइड है, साइनाइड अगर साइनाइड से फिशिंग की जा रही है तो कोरल पर इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा केयरलेस टूरिज्म है जिसकी वजह से भी कोरल रीफ को भारी नुकसान होता है। लोग घूमने जाते हैं बीच पे और वहाँ पे पूरा कचरा छोड़ के आते हैं। इंसान ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कचरा ना फैलाता हो। तो इन कचरे से जिससे समुद्री पॉल्यूशन लगातार बढ़ता है, लोग पहुँचते हैं उसमें, सर्फिंग करते हैं समुद्र में, उनको नुकसान पहुँचाते हैं जिससे कोरल को क्षति होती है। तो ये कई सारे तरीके हैं, मतलब कई सारे कारण हैं जिससे आजकल कोरल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इस कोरल रीफ के नुकसान से, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं, अगर कोरल रीफ ख़त्म हो जाएंगे तो समुद्र का एक बायोडाइवर्सिटी जो है वो काफ़ी ख़तरे में आ जाएगा। पूरा इकोसिस्टम जो समुद्र का है वो प्रभावित होगा और इसका बहुत ही खराब या बैड इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे इन्वायरमेंट पे। अब और हम देखते हैं कि एक और चीज़ है जिसे आपको जानना चाहिए, कोरल ब्लीचिंग। व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग? कोरल ब्लीचिंग का मतलब है कि लॉस ऑफ इम्पॉर्टेंट सेल इनसाइड द कोरल। हमने पहले कहा कि कोरल जो होता है वो हमेशा एल्गी के साथ रहता है और कोरल जो होते हैं वो बहुत ही विविध कलर के होते हैं, हरे, लाल, पीले, नीले, हर तरह के होते हैं। और ये कलर जो उनको मिलता है वो मिलता है एल्गी की वजह से, और उस एल्गी का नाम है जूजेंथली। इस एल्गी की वजह से ही कोरल जो होता है कई सारे विविध रंग का दिखाई पड़ता है। कोरल ब्लीचिंग का मतलब है कि किसी भी कारण से जब
एल्गी जो होते हैं कोरल के अंदर, जो एल्गी होते हैं वो मर जाते हैं या मरने लगते हैं, तो इसकी वजह से कोरल का जो रंग होता है वो उड़ जाता है, वाइट हो जाता है, धूसर कलर का हो जाता है, जिससे ये लगता है कि यार पूरा जैसे ब्लीच कर दिया गया है। ब्लीचिंग करवाते हो ना फेस का, तो किस लिए करवाते हो, गोरा होने के लिए ना। तो जो कोरल्स होते हैं, चूंकि वो हरे नीले पीले बहुत सारे रंग के होते हैं, लेकिन ब्लीचिंग में क्या होता है कि जो एल्गी होता है वो मर जाता है, और जिसकी वजह से जो है कोरल जो होते हैं वाइट हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। इसी प्रक्रिया को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। जू जैंथली, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, जू जैंथली कंट्रीब्यूट कलरेशन पर कोरल। हमने पहले के कहा कि जो कोरल का रंग होता है वो एल्गी की वजह से होता है, और अगर ये एल्गी जो है अगर वहाँ से लॉस हो जाए, वहाँ छोड़ के चले जाएँ, या किसी वजह से उनकी डेथ हो जाए, तो कोरल का रंग जो है वाइट हो जाएगा, और इसी को कोरल ब्लीचिंग कहेंगे। तीसरा है कि फैक्टर्स दैट कॉज दिस सेल टू लॉस कॉज्ड द कोरल्स कलर टू बिकम वाइट। यही प्रक्रिया कोरल ब्लीचिंग कहलाती है। कोरल ब्लीचिंग का मतलब है कि कोरल खत्म हो रहे हैं, कोरल का मौत हो रही है, उनकी मृत्यु हो रही है। अगर कोरल के साथ एल्गी नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कोरल जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि 90% एनर्जी कौन दे रहा था कोरल को, एल्गी दे रहा था। ऑक्सीजन की सप्लाई कौन कर रहा है कोरल को, एल्गी कर रहा है। अगर एल्गी कोरल को छोड़ के भाग जाए या किसी कारण से एल्गी की मृत्यु हो जाए, तो कोरल का मरना तय है। तो कोरल ब्लीचिंग मतलब कोरल का नुकसान, और कोरल ब्लीचिंग के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए, द हेल्दी कोरल जू जेंथली इन कोरल टिश्यू, ये आपको दिख रहा है, ये जो कोरल है इसके चारों तरफ ये सेल हैं, किसके, एल्गी के। जो बीच में कोरल होगा, कोरल के चारों तरफ एल्गी घेरे रहते हैं, लेकिन जब ब्लीचिंग हो जाएगी, कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी, तो कोरल को छोड़ के सारे एल्गी भाग जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं। यही प्रक्रिया कोरल ब्लीचिंग है, जिससे कोरल का रंग वाइट हो जाता है या कोरल की मृत्यु हो जाती है। व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से जो है कोरल ब्लीचिंग होता है, कोरल क्यों मरते हैं, एल्गी क्यों छोड़ के भाग जाता है? बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है कि इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वाटर टेम्परेचर। अगर वाटर का टेम्परेचर घटेगा एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद, एक निश्चित टेम्परेचर के बाद, अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो एल्गी या तो मर जाएगा या तो एल्गी वहाँ से कोरल को छोड़ के भाग जाएगा, जिससे कोरल ब्लीचिंग होगी। दूसरा कारण है चेंज इन वाटर केमिस्ट्री। अगर वाटर की केमिस्ट्री ही बदल जाए, जिसमें मतलब कोई और केमिकल आ जाए जिसकी वजह से जो है एल्गी को कोई प्रॉब्लम हो, तो उससे भी कोरल ब्लीचिंग होगी। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से भी कोरल ब्लीचिंग हो सकता है, या फिर सी लेवल ऊपर उठ जाए, यानी काफ़ी अगर सी लेवल ऊपर उठेगा, समुद्र का स्तर ऊपर उठेगा, उससे भी कोरल ब्लीचिंग हो सकता है, क्योंकि पानी के अंदर ज़्यादा डूब जाएंगे तो एल्गी को जो है सनलाइट नहीं मिलेगा, और अगर सनलाइट नहीं मिलेगा तो एल्गी डेड हो जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा और एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसकी डेड हो जाएगी। तो सी लेवल अगर काफ़ी ऊपर हो जाए, ढेरा थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए, तो उससे भी कोरल ब्लीचिंग होगी। देन है हर्बिसाइड्स। अगर हर्बिसाइड्स का यूज हो रहा है या उस एरिया में या समुद्र के जल में आसपास कहीं पे हर्बिसाइड ज़्यादा मात्रा में डाल दिया जाए, तो भी एल्गी डेथ हो जाएगा। हर्बिसाइड है, हर्बिसाइड मतलब ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हर्ब को या प्लांट्स को मारते हैं, जो बीड होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए खेतों में यूज किया जाता है, चूँकि एल्गी भी एक प्लांट्स ही है ना, तो हर्बिसाइड का इम्पैक्ट जो होता है बैड इम्पैक्ट एल्गी पे पड़ेगा, जू जेंथली पे पड़ेगा, जिससे ब्लीचिंग होगी। देन साइनाइड फिशिंग, पहले ही कहा था कि साइनाइड फिशिंग से भी कोरल रीफ कोरल ब्लीचिंग होगा। लो टाइड से और शिपिंग एक्सीडेंट से भी कोरल ब्लीचिंग होती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग होती है, यानी कोरल को नुकसान होता है, जिससे कोरल जो है नष्ट हो रहे हैं। अब हम कुछ चीज़ें और जान लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ, इतना ज़्यादा मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि कोरल जो होते हैं, जो कोरल रीफ हैं, वो क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो कोरल ना केवल इकोनॉमी के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इकोलॉजिकल दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है बायोडाइवर्सिटी के लिए। जो कोरल रीफ होते हैं उनको
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है, समुद्र का रेन फॉरेस्ट कहा जाता है कोरल रीफ को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे जो कोरल रीफ वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे बायोडायवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बायोडायवर्सिटी का मतलब है कि जीवों में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, बहुत प्रकार की प्रजातियाँ जो है कोरल रीफ वाले क्षेत्र में, जहाँ पे भी कोरल रीफ का विकास होता है वहाँ पे पाई जाती हैं, बहुत प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं, समुद्री जीव पाए जाते हैं। तो एक बड़ी चीज़ है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि बायोडायवर्सिटी के लिए कोरल रीफ महत्वपूर्ण है। अगर कोरल रीफ खत्म हो जाएंगे तो समुद्र का जो बायोडायवर्सिटी है उसको भारी नुकसान होगा, बहुत सारे समुद्री जीव नष्ट हो जाएंगे। देन इकोनॉमिक रिसोर्सेस के रूप में भी मूंगा चट्टानों का काफ़ी महत्वपूर्ण है, सीमेंट बनाने के लिए, मोटार या गारा बनाने के लिए, बिल्डिंग मटेरियल के लिए इनका यूज किया जाता है। इसलिए इकोनॉमिक दृष्टिकोण से भी कोरल रीफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, बहुत सारे मूंगा चट्टाने होती हैं, कोरल्स हैं, जिनका मेडिसिनल उपयोग भी होता है, दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। देन एक और चीज़ है, प्रोटेक्शन टू कोस्ट लाइन्स, क्योंकि ये कोरल रीफ का विकास जो होता है वो समुद्र के किनारे पे होता है, तो समुद्र के किनारे पे ये एक सुरक्षा बैरियर के रूप में काम करते हैं। जब सुनामी आए या फिर समुद्री लहरें आती हैं उससे कोस्ट को बचाने का काम करते हैं कोरल रीफ। अगर कोरल रीफ को हटा दिया जाए तो समुद्र का जो पानी होगा वो सीधे लैंड से टकराएगा, कोस्ट लाइन से टकराएगा, जिससे काफ़ी नुकसान होगा, जिससे सॉयल इरोजन होगा, सॉयल को नुकसान होगा, उस एरिया में जो है फ्लड या बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। तो इस प्रकार जो है कोरल रीफ जो होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और इसी के साथ जो है टूरिज्म के लिए भी कोरल रीफ इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग जो होता है कोरल को देखने के लिए जाते हैं, जिससे जो क्या होता है कि सरकार को जो है इनकम मिलती है, उस क्षेत्र में रोजगार या एम्प्लॉयमेंट टूरिज्म की वजह से बढ़ता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है कोरल रीफ की वजह से। यहाँ एक और पॉइंट आप लोग जान लो कि जो कोरल रीफ होते हैं उनको ऑफन कॉल्ड रेन फॉरेस्ट ऑफ सी ड्यू टू दियर रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी, दे ऑक्यूपाई लेस देन 0.1% ऑफ वर्ल्ड्स ओशियन सरफेस बट प्रोवाइड होम ऑफ 25% ऑफ मरीन स्पीसीज। कितनी अजीब बात है ना, इनको रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, समुद्र का रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। जो ट्रॉपिकल वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो कि सदाबहार किस्म के वन होते हैं। रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, जो अमेजन का जंगल है वो रेन फॉरेस्ट में ही है। रेन फॉरेस्ट में बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और जो कोरल्स कोरल रीफ होते हैं उनको कहा जाता है कि ये समुद्र के रेन फॉरेस्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। पूरे जो ओशियन सरफेस का सिर्फ 0.1% पर ही कोरल रीफ पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पूरे मरीन स्पीसीज का 25% बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। अब आप सोच सकते हो कि कोरल रीफ ना केवल इकोनॉमिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि इकोलॉजिकल दृष्टिकोण से भी उतने ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कोरल रीफ को बचाना जो है बहुत ज़रूरी है। अगर कोरल रीफ जिस हिसाब से मर रहे हैं वर्तमान समय में, जिस रफ्तार से कोरल ब्लीचिंग हो रही है, अगर उसे समय रहते नहीं रोका गया तो पूरे समुद्र का इकोसिस्टम पलट सकता है, पूरे समुद्र के इकोसिस्टम को भारी नुकसान हो सकता है, फिशिंग इंडस्ट्री को भारी नुकसान होगा, क्योंकि जो फिशिंग होती है मछलियों के नर्सरी के रूप में कोरल्स काम करते हैं, वहाँ पे उनको भोजन मछलियों को मिलता है, तो वहाँ पे ज़्यादा मछलियों का डेवलपमेंट होता है। अगर कोरल्स ख़त्म हो जाएंगे तो मछलियों के पॉपुलेशन पे भी बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कोरल रीफ को कोरल्स को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई कोरल और कोरल रीफ के बारे में, जो कि फाइलम सिलेंट्रेटा से जुड़ा हुआ था, उसी का एक सब टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको आज यहाँ पे आप लोगों के साथ चर्चा की है। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है प्लैटी हेलमेंथीज और निमेटी हेलमेंथीज के बारे में पढ़ेंगे।